सुनते हैं। वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और हम सबके नेता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी। ये अवसर सदैव अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है, लेकिन आदरणीय सुनील बंसल जी राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार आए हैं, इसलिए उनका मैं उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, राज्यसभा सांसद हमारे अभिभावक आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, जिनकी छवि हम प्रभु राम में देखते हैं, ऐसे हमारे पारिवारिक सदस्य आदरणीय अरुण गोविंद जी, हमारे परिवार के सदस्य पूर्व मंत्री सदस्य विधानसभा आदरणीय आशुतोष टंडन जी, हमारे मित्र सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे पारिवारिक साथी विधान परिषद सदस्य आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ल जी, हमारे छोटे भाई विधान परिषद सदस्य आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, और एक ऐसा नाम परसों जिनको लेकर के पूरा देश मौन जुलूस निकाल रहा था, आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी, विभाजन की विभीषिका के वो चश्मदीद गवा रहे हैं, उन्होंने पीड़ा झेली है, किस ढंग से हिंदुस्तान जब आजाद हुआ क्या पीड़ा हिंदुस्तान के लोगों को हुई थी, अपना घर अच्छा भला कोठी छोड़ करके, कारोबार को छोड़ करके, पारिवारिक जनों को छोड़ करके, पड़ोसियों को छोड़ करके, फैक्ट्री को छोड़ करके वो लखनऊ आए थे। ऐसे हमारे आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी पूर्व विधायक, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे मित्र, अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष माननीय विधानसभा सदस्य योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से सदैव अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा उपस्थित आप सब भाइयों बहनों का, जिनकी वजह से कार्यक्रम धीरे धीरे गति प्रदान करते हुए बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, इसमें सब आप सबकी मेहनत और कृपा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के सभी व्यापार संगठनों को, लखनऊ के व्यापार संगठनों को, पटरी दुकानदार यूनियन को, रिक्शा टेम्पो यूनियन को, इंजीनियर एसोसिएशन को, डॉक्टर्स एसोसिएशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन को, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघों को, हमारे जितने भी साथी हैं जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे मीडिया क्लब को, मीडिया फोटोग्राफर्स को, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से कार्यक्रम दिनों दिन तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, हमारे कनिष्ठ साथी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब आपकी मेहनत वजह से कार्यक्रम सफल होता रहा है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपकी वजह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन दिनों दिन समाज में सामाजिक कार्य करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कोविड महामारी का काल हो या सामान्य दिन हो, श्रद्धेय घटाटे जी का जब देहावसान हुआ उस समय भी आप सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, श्रद्धेय श्रीकुमार जी का जब देहावसान हुआ आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, मैं आप सबको इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने व्यस्ततम समय में से निकाल करके कुछ समय हम सबके लिए श्रद्धेयतल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सबको बधाई दिया, और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय सुनील बंसल जी को, जिनका कार्यक्रम आज लखनऊ में आने का नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए वो विशेषतम कार्यक्रम को छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। मैं अपने सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं, सामने बैठे सभी भाइयों का, बहनों का, अपने अभिभावकों का, टीचर्स का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं कहता हूं संचालक महोदय से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी कार्यक्रम में जाना है, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षिप्त रूपरेखा रखी संगठन के बारे में, और इसके बाद अब कोई भी